मुस्लिम युवकों को फंसाने के लिए मंदिर के पुजारी ने तोड़ी प्रतिमा। मामला उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले की है। बीते दिनों मंदिर के पुजारी ने कुछ मुस्लिम युवकों पर मंदिर में स्थित गणेश की प्रतिमा तोड़ने समेत कई आरोप लगाए थे, लेकिन जब मामले की जांच हुई तो पता चला कि पुजारी ने खुद प्रतिमा तोड़ी थी। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में किसी आपसी मामले को एक बड़े सांप्रदायिक हिंसे के रूप में कैसे भड़काया जाता है, आज आपको इस खबर से पता चलेगा। मामला उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में स्थित तौली हवा गांव की है। गांव में स्थित मंदिर के पुजारी कृच राम ने बीते 16 जुलाई 2024 को कठेला समय माता पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई। दर्ज शिकायत दो मुस्लिम युवकों के खिलाफ थी, जिनका नाम मननन और सोनू है। पुजारी कृच राम ने दो मुस्लिम युवकों पर मंदिर में स्थित गणेश की प्रतिमा तोड़ने का आरोप लगाया। पुजारी ने यह भी आरोप लगाया कि दोनों मुस्लिम युवकों ने उन्हें धमकी देते हुए कहा था कि वे उन्हें पूजा और कीर्तन करने नहीं देंगे। दर्ज शिकायत के अनुसार जब उनकी पत्नी ने इस दौरान हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उन दोनों युवकों ने उन्हें भी मुक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल कैसा है और प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने में देर नहीं लगती। पुजारी के आरोपों से साफ साफ दिखता है कि कैसे उसने इस मामले को एक सांप्रदायिक दंगे का रूप देने की कोशिश की। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मामले में पुजारी ने खुद यह स्वीकार किया है कि प्रतिमा मुस्लिम युवकों ने नहीं बल्कि खुद पुजारी ने तोड़ी थी। पुजारी की शिकायत पर दोनों मुस्लिम व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। उन पर जानबूझकर चोट पहुंचाने और एक वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को अपवित्र करने का आरोप लगाया गया। मामले की जांच के लिए स्थानीय पुलिस और स्थानीय उप विभागीय मजिस्ट्रेट की एक टीम ने घटना स्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि प्रतिमा को दोनों मुस्लिम युवकों ने नहीं बल्कि खुद पुजारी ने ही तोड़ा था। पुलिस ने इस घटना के चश्मदीद कुछ बच्चों की गवाही भी ली। जांच अधिकारी दरवेश कुमार ने कहा कि जांच के दौरान पता चला कि जब मूर्तियां तोड़ी गई तब 8 से 10 साल के 3-4 बच्चे वहां खेल रहे थे। बच्चों ने हमसे कहा साधु बाबा यानी पुजारी ने मूर्ति तोड़ी है। इसके बाद जांच टीम ने पुजारी से पूछताछ की, जिसमें पुजारी ने स्वीकार किया कि दोनों मुस्लिम युवकों का उनसे पहले से विवाद चल रहा था, इसलिए कृच राम ने उन्हें झूठे आपराधिक मामले में फंसाने के लिए मूर्ति तोड़कर पुलिस को शिकायत कर दी। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।